एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ और आज हम बात करते हैं PACL रिफंड के बारे में। जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे खासतौर से यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह पर आपको जानकारी मिल रही होगी कि PACL का पैसा रिलीज होने जा रहा है, और मैं रोज़ देखता हूँ कि करीबन एक दर्जन से ज़्यादा यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जो जिनके ऊपर रोज़ ये सूचना मिल रही है कि आज PACL का पैसा जारी होने वाला है, आज कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले चार महीने से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, और लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो 16 अक्टूबर 2019 मतलब कि जस्ट एक दिन पहले नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि 5000 से तक जो अमाउंट है उसको PACL सेबी के थ्रू अमाउंट देने जा रहा है अपने जो निवेश करता है उनको। और क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि अब तक 60,000 करोड़ की जो PACL की जो परिसंपत्तियां हैं पूरे देश भर में उनको उन्होंने अटैच कर लिया है, और जल्द ही जो PACL में जिनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं, जिनके रसीद हैं, जिनका बॉन्ड है, और जो भी लीगल जो आपके पास जो दस्तावेज हैं, जो आपने जब पॉलिसी लिया है और आपने जब अपना पैसा जमा किया है उसके जो दस्तावेज आपने PACL की साइट के ऊपर जो अपलोड किए हैं आपने, उन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन तेज़ी से चल रहा है, और ये वेरिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होगा आने वाले 2-3 दिन में ये समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि दिवाली से पहले पहले अधिकतर जो 5000 तक के जो निवेशक हैं उनके खातों में PACL का पैसा आ जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो बड़े जो निवेश करता है जिनका 5000 से ज़्यादा धन PACL में लगा हुआ है उनको भी पैसा बहुत जल्दी PACL जारी करने वाला है। उसका भी PACL ने कहा है कि उसका भी वो लोग एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करेंगे। और मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि PACL सेबी का जितना जो भी आपस में जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी पैसा निवेश करता के अकाउंट में आना है या इससे संबंधित कोई भी जो सूचना है, वो sebi.gov.in भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको हर तरह का इसमें जानकारी मिलेगी। उसमें अगर मैं 16 तारीख के नोटिफिकेशन की बात करूं तो स्पष्ट रूप से उसमें दिया गया नोटिफिकेशन का PDF फाइल उसमें डाला हुआ है, कोई भी देख सकता है वहाँ पे जाके। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जब नोटिफिकेशन या इस तरह की कोई बड़ी जानकारी आती है, क्योंकि PACL में बहुत करोड़ों निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए सेबी भी चाहती है कि जो भी नोटिफिकेशन जारी हो उसकी सूचना सब लोगों तक पहुँचे, इसलिए जो महत्वपूर्ण जो बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर इस नोटिफिकेशन को लेके बड़ा समाचार उसी सेम डे प्रकाशित किया जाता है। जैसा कि 16 तारीख को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ तो 17 तारीख के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे आज के सभी जो बड़े राष्ट्रीय जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें इस तरह के समाचार छापे गए हैं, और उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि कितना संपत्ति अटैच हो चुकी है, किन लोगों को पैसा मिलेगा, क्या दस्तावेज हैं। तो मैं क्योंकि इसमें यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का PACL में धन निवेश किया हुआ है ऑलरेडी वो लोग बहुत परेशान हैं, और मुझे पर्सनली दुख होता है कि जब वो इस तरह के वीडियोस या इस तरह की जब सूचनाएं किसी निवेशकर्ता को मिलती है, ऑलरेडी वो तो इतने सालों से परेशान है कि उसका पैसा फंसा हुआ है, ऊपर से जब उसको गलत जानकारी मिलती है तो और एक बार खुश होता है, लेकिन जब पता चलता है कि हाँ ये पैसा नहीं मिलने वाला है तो फिर उसकी जो चिंता है, परेशानी है, वो बढ़ जाती है। तो मैं जो निवेश करता है मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वे सेबी की जो साइट है उसके साथ बने रहें। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सेबी की वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, और आपको जब भी देखना हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ख़ासतौर से जो दूसरे जो साथी लोग हैं जो इस तरह की गलत जो सूचनाएँ जो फैलाते रहते हैं अक्सर, जिससे निवेशकर्ता भ्रमित होता है, क्यों भ्रमित होना एक अलग बात है और निवेशकर्ता इससे परेशान भी होता है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की जो सूचनाएँ हैं जब तक कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं कर लें उसको रिलीज़ ना करें, क्योंकि आपकी सूचना किसी के दिल पे लग सकती है। और आप बने रहें हमारे साथ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और बने रहें आप। मैंने आज सुबह भी एक वीडियो डाला है और आशा करता हूँ आपने देखा होगा, और अभी मैं जल्दी PACL का जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो आप बने रहने के लिए कृपया शेयर और लाइक करें हमारे वीडियो को। सेबी ने जिस तरह से कल अधिसूचना जो जारी करी है नोटिफिकेशन, उसके बाद से सभी न्यूज़पेपर्स में जो भारत के जो तमाम जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, जिस तरह से मनी कंट्रोल हैं जो कि कॉमर्शियल जो खबरें हैं उनको प्राथमिकता से देता है और सबसे बड़ा ये न्यूज़पेपर्स हैं, तो देखेंगे आपकी PTI जो न्यूज़ एजेंसी ने ये रिलीज़ करा है ये स्टोरी, जिसमें स्पष्ट इन्होंने लिखा है कि 5000 रुपये तक का जो
भुगतान है वो इसको वो प्रोसेस में डाल रहे हैं, और सेबी ने इसके जो ऊपर अंतिम मोड़ लगा दिए। और इसके अलावा जिनके क्लेम जो बड़े अमाउंट के हैं वो भी प्रोसेस में है, और आने वाले दिनों में सेबी इसी तरह से एक सूचना जारी करके और उसको पैसों को वो रिलीज़ करेगा, क्योंकि सेबी ने अभी तक जो है करीबन 60,000 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी PACL की है, जो जो कि रियल एस्टेट में पैसा इनका बिजनेस में लगा हुआ था, उसको सेबी अभी तक अटैच कर पाया है, और जिसकी जिसको सेल करने से जो इनकम जो आएगी उससे सेबी ये जो PACL के जो पैसे हैं वो दे रहा है। और ठीक ये जो 60,000 करोड़ रुपए का जो अभी इन्होंने अटैच किया है प्रॉपर्टी, इसी तरह कुछ और प्रॉपर्टियां हैं जो अटैच होने जा रही हैं। और अभी इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नवभारत टाइम्स है जो कि हिंदी का एक बड़ा न्यूज़पेपर है, ये भी कह रहा है कि PACL निवेशकों को रिफंड के आवेदनों की निपटाने की प्रक्रिया जारी। तो सेबी ने जो कल जो अधिसूचना जारी की थी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में न्यूज़पेपर्स में आज स्टोरी आया है, और ये 5,000 रुपये तक का भुगतान है, इसके ऊपर अंतिम मोहर लगा दी है सेबी ने। तो आप देखेंगे कि कुछ लोगों के पास दिवाली तक ये पैसा पहुंच जाएगा। और इन्होंने स्पष्ट इसमें कहा है कि जिन्होंने अपना जो आवेदन जब सबमिट किया था उसके साथ में PACL का बॉन्ड रसीद और प्रमाण पत्र जो जिन्होंने सही हैं उनको ये पैसा अभी रिलीज़ कर दिया गया है, और आने वाले आज मुझे लगता है कि 1 हफ्ता 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर ये लोगों के अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हिंदी में भी बताया गया है कि 60,000 करोड़ रुपये सेबी ने जुटाए हैं। तो थैंक तो ये जो ये इस तरह की ये न्यूज़पेपर्स की सूचनाएं हैं, और सेबी ने क्योंकि अपनी आधिकारिक जो भारत सरकार का सेबी का जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन भी डाला हुआ है, और ये जो कल का प्रेस रिलीज उसके ऊपर डाला हुआ है। और मैं आप जिन लोगों ने PACL में पैसा निवेश किया है, मैं उन सभी कस्टमर्स जो सम्मानित जो कस्टमर्स हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अदर जो भी वीडियोज़ हैं या इस तरह की जो सूचनाएं हैं उनके ऊपर आप विश्वास ना करें। आप तमाम जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं आप उसको देखते रहें। इसके अलावा जो सेबी का जो भारत सरकार का जो अधिकृत जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी PACL से रिलेटेड जो भी सूचना आएगी तो वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी भी ये सूचना जो परसों कल जो सेबी ने डाला है ये सूचना ये PACL के उसमें दिया हुआ है कि ये PACL का पेमेंट को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अब तक का ये मुझे लगता है कि ये PACL के जो कस्टमर्स हैं जिनका पैसा निवेश किया हुआ है जो निवेशक है उनके लिए बहुत बड़ी सूचना है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जिनका बड़े अमाउंट्स हैं उनको भी इसका पैसा मिल पाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और अपने जो दोस्तों को जो और आपके जानकार जो निवेशक हैं आप उनको इसको शेयर कर सकते हैं। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे आप इसी पूरी स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे सेबी का जो ये नोटिफिकेशन जहाँ पे दिया गया है मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे इसको जाके देख सकते हैं। और भविष्य में भी आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेबी की साइट पे जाएं, वही लिंक आप ध्यान अपने पास रख लें और उसी लिंक्स पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।